परम आदरणीय है। श्रोता बंधुओं, रात्रि से ये जिकड़ी भजनों का आप लोग आनंद ले रहे हैं, अब धीरे धीरे ये विसर्जन की ओर है। एक कविता जरूर कहेंगे, हर इंसान की इच्छा होती है कि भाई मेरे लिए गुरु मिले जिससे कि मेरी मुक्ति हो। मगर आप जैसे विवेकियों ने कहा है, घूमने की और भटकने की कहीं जरूरत नहीं होती। पहलो गुरु मान तो मान अपनी मात को, पहलो गुरु मान तो मान अपनी मात को, जान तो कुचल और बोलना सिखायो है। तू जो गुरु मान तो मान अपने बाप को, अपने बाप को जीवन को सवरो तो कु पाठऊ पढ़ायो है। गुरु गुरु कहे दिसारी दुनिया में घूम लियो, गुरु गुरु कहे दिसारी दुनिया में घूम लियो, और फिर भी गुरु तेन नकली बनायो है। असली गुरु तेरे खट में विराज रहो, और जाकु तू आज तक खोज नहीं पायो है। अब सुनिए, जो जिकड़ी के गाने आपने सुने हैं वो सुना रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, पांचों पांडव कृष्ण भगवान के पास में पहुंचे भाई पवन, और कहा प्रभु हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। कैसा यज्ञ करना चाहते हो, क्या खुशी है? प्रभु हमने महाभारत का जीता। अच्छा, विजय यज्ञ करना चाहते हो? हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी काम करना होगा अपने हाथों से करना पड़ेगा आपके लिए। भैया जी सुनिए, अरे और अपन पंडन ने यज्ञ रचाई, बिन पंडन ने यज्ञ रचाई और पाकी सब संतन को हवन करायो। सुनो सभा चितलाइए, श्री कृष्ण यो कहने लागे एक बात समझ में, एक बात समझ में आइए। भजन सभा मन को घंटाया, यज्ञ में त्यो लटकाइए, अपने आप बजेगो घंटाया। कृष्ण भगवान ने कहा पांडवों तुम्हारे लिए कैसे पता चलेगा यज्ञ सफल हुआ या नहीं? कहिए प्रभा, एक सवा मन भजन का घंटा इस यज्ञशाला में लटका दीजिएगा, तुम्हारा यज्ञ सफल होगा और ये जोर से घंटा बजेगा।
ऐसा ही करते हैं पवन भैया। शुरू करो भंडारो है, अरे पंगत दही लगाए संतन ने देखे बंसी, अरे पंगत दही लगाए संतन ने। तुम कैसे दुखी से बैठे हो साहब, मैं क्यों करूं मैं चिंता, तुम करो। हाँ जी, पंगत दही लगाए संतन ने फिर देखे बंसी पारो है, पुआ खीर पंडवा पर से, अरे द्रौपदी लखे नजारो है, द्रौपदी लखे नजारो है। धर्म सुवन दे रही दक्षिणा संत करे जयकारो है, वो संत करे जयकारो है, जयकारो है। श्रोता जितने भी संत आए थे सबने प्रसादी पाली और दक्षिणा लेकर सभी वापस हो गए, लेकिन पांचों पांडव बोले प्रभु हे मुरलीधर भोजन पाके सब वापस हो गए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुनिए। अभिमान में आके बलि भीम चला गया और ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचा और बोला बाबा दादी वाले तेरे लिए मेरे साथ चलना होगा, और बोला क्या पवन भैया,
दुर्वासा बोले बेटा क्या नाम है तेरा, तू कहां ले जा रहा है मेरे लिए? बाबा मैं तुम्हारे लिए यज्ञ में ले जा रहा हूं, अभी हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ है और आपको जाते ही हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। अभिमान में आके कह रहा है, बोले बाबा बेटा तेरा नाम क्या है? बलि भीम बोला अभिमान मां का, बाबा मुझे नहीं जानता, मेरा नाम बलि भीम है। कौन सा भीम है बेटा तू? अरे मैं वही भीम हूं जो महाभारत के अंदर हाथियों को फेंका था। अच्छा तू वही भीम है, तेरे साथ में तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन लेकिन क्या है? सुन दुर्वासा यो कहने लगी है मेरी तैया सुमरनी मालाए, या कुटिया में मेरी सुमरनी माला धरी है बेटा, तू बाय उठा ला तेरे संग में चलूंगा। दुर्वासा यो कहने लगे मेरी तैया सुमरनी माला है, भीम पर माला ना हिली, भीम पर माला ना हिली, अदब तो खेला निराला है, अदब तो खेला निराला है, खेला निराला है। श्रोता बलि भीम पर माला नहीं हिल पाती है, वापस हो गया। इसी प्रकार से एक एक करके पांचों पांडव चले आए। बाबा की वही शर्त, तुम्हारे साथ में चलूंगा, ध्यान देना। मगर वो माला तिल के बराबर भी नहीं हिल पाती है, तो हताश हो गए पांचों पांडव और कृष्ण भगवान के पास में आके बोले, प्रभु ना बाबा आवे ना घंटा, ये इसी जगह की बात है। जब तो मैंने तुमसे कही है कि मैं का घंटा गाऊं, नहीं घंटा गाने पर रो मास्टर पवन। कृष्ण भगवान बोले बाबा भी आएगा तुम्हारा घंटा भी बाजेगा, तुम्हारे बल की बात नहीं है, तो केवल रानी द्रौपदी ला सकती है। अच्छा तुमको परेशान है रहे, सब दसई दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे भगत जी। पवन भैया रानी द्रौपदी चली गई नंगे पैर और बाबा के पैरों को पकड़ लिया, बाबा ओ बाबा यज्ञ में चलना होगा बाबा। अच्छा श्रोता बाबा बड़े दयालु हैं, आगे बाबा रानी द्रौपदी के साथ पवन भैया द्रौपदी रानी के संग दुर्वासन पार किया दरवाजा है, द्रौपदी रानी के संग दुर्वासन पार किया दरवाजा है, मुनि पर आसन बैठो मैंने भोजन पाजो पाजो है, मुनीवर आसन बैठो भोजन पालो ताजो है, दुर्वासा ने भोजन पायो, दुर्वासा ने भोजन पा पांडाल एकदम काजो है, दुर्वासा ने भोजन पायो पांडाल एकदम काजो है, समय
जब ती भूल गयो अब मोकू होश भयो मेरी रामा।